यार बार्सा फैंस के लिए ना आज बड़ा ही दुख भरा दिन है पूछोगे क्यों क्योंकि एक बार्सोलोना का लेजेंड हमारी टीम को छोड़ के जाने वाला है सॉरी आई एम नॉट एबल टू हाइड दिस मर्क ऑन माई फेस और सबको पता है कि क्या सीन चल रहा है यहाँ पे कि डिम्बेले कहीं ना कहीं इज वॉन्टिंग टू लिव बार्सोना नाव और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ यार कि मैं नेमार को बड़ा सांप बोलूँ कि मैं लुकाकू को बड़ा सांप बोलूँ कि मैं यहाँ पे डिम्बले को बड़ा सांप बोलूँ देखो पर्सनल मेरे ओपिनियन असाइड मैं क्या फील करता हूँ डिम्बले के लिए कीपिंग दैट अ साइड बट टॉकिंग अबाउट एज अ बारसा फैन जावी ने शोन हिज लव ट्रस्ट एंड फेथ टू डिम्बले सिंस द डे ही हैज बिन हेयर जावी ने कितने बार यहां पर डिम्बले को प्रेस किया है कहते हुए कि डिम्बले हमारी हिस्ट्री में वन ऑफ द बेस्ट विंगर है एंड इफ ही गोज ऑन टू परफॉर्म द वे ही परफॉर्म्स एट द टॉप लेवल यार डिम्बले वर्ल्ड का बेस्ट विंगर बन सकता है डिम्बले के बारे में कितनी बथेरी तारीफ यहां पर किया कर रखी है जावी हर्नांडिस ने एवरी सिंगल टाइम कोई भी बंदा डिम्बले के अगेंस्ट में कोई क्वेश्चन पूछता है जावी है तो ही इज ऑलवेज दे सही कि भाई डिम्बले हमारी टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी भी कल की न्यूज आने

एंड लुइस एंड्रीके पे एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं फॉर पी एच जी टू बिल्ड इथ द टीम एक्चुअली एक बात ना बता हाइड साइड पर ध्यान रखते चलना पी एच जी क्या खतरनाक बुंड फॉर टीम बना रही है की क्लियर दैट ऑल एम्बापे सागा आउट टेक अ लुक एट पीएच वॉट दे आर बिल्डिंग एंड विथ लुइस एंड्रीके ओवर देर और भाई एक बहुत बड़ा कन्विसिंग फैक्टर प्ले करते लूचो और उनके सिस्टम में मेरे ओपिनियन में भाई एज ए न्यूट्रल एज एन एनालिस्ट आउट से डिम्बले वुड किल मैं हर बार तुमको कहाँ कि डिम्बिले इज अ ग्रेट प्लेयर बट नॉट फॉर द बार्सिलोना सिस्टम ही कुड बी अ ग्रेट प्लेयर विद अ टीम जो कि काउंटर अटैकिंग फुटबॉल खेलती है जहाँ पे बंदे को स्पेसिस मिलेंगे टू रन वो अपने पेस का इस्तेमाल करेगा बट कमिंग अप अगेंस्ट अ लो ब्लॉक टीम ही विल ऑब्वियसली स्ट्रगल और उसकी इनडिसाइसिवनेस हम सबको दिखती है सो इट वुड बी बेटर फॉर डिम्बिले टली अगर तो तुम देखो कि डिम्बले इज इवन थिंकिंग बार्सोना डिम्बले एक पब्लिक एक कमेंट करें कि भाई वॉट इज गोइंग ऑन बट कैच क्या है आज लास्ट डे है जब तक कि डिम्बले का जो रिलीज लॉस है वो फिफ्टी मिलियन यूरोज रहेगा कल से फर्स्ट ऑगस्ट से उसका रिलीज लॉस हंड्रेड मिलियन यूरोज हो जाएगा और बार्सोलोना है वर्किंग की बंदे को एक टाइपअप करे एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में मुंडो रिपोर्ट थी वो रिपोर्ट किया था कि फोर ईयर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सैलरी हाइक भी देंगे बट रिपोर्टेड की मूसा सिसोको ने जो उसका एजेंट है कहा कि भाई हमें लाइक थोड़े से और पैसे टू मिलियन का डिम्बेले के जाने से बार्सिलोना में बहुत बड़ा वेज फ्री होगा डिम्बेले इज वन ऑफ द हाइएस्ट अर्नर्स इन आर टीम और डिम्बेले अगर जाता है टीम से तो वेज बिल में बहुत ज्यादा गैप हमें मिल जाएगा और कहीं ना कहीं हाइड साइड पर थिंक अबाउट दिस लियोनल मेसी कुछ गलत नहीं किया पीएस ने एक फॉर्मल परमिशन भेजी यहां पर बारसोलों को कुछ सो दैट दे कुट विद उमान डिम्बले एंड क्योंकि यहां पर उस्मान डिम्बिले एक ऐसा फैक्टर ऐसा एलिमेंट है हमारी टीम में जो कि पिछले दो से तीन सालों से हमारे लिए भाई प्रॉब्लम क्रिएट किया पिछले बार भी हम लोग को याद है

करो बिकॉज भाई तुम ये जानो यार रिलीज क्लॉज क्या होता है इट इट इज इज अ अ वैल्यू दैट यू पे थ्रू द क्लब टू फैसिलिटेट योर ट्रांसफर टू द टीम अब यहां पे डेंबले अगर रिलीज क्लॉज को पे करने के लिए यस कहते हैं तो पीएसजी उसका क्लॉज कल ही कल एक्टिवेट कर देगी अब भाई उनको एक विंगर चाहिए बट व्हाट शुड डेम्बिल राइटली डू और मेरे ओपिनियन में पता है क्या पर्सनल ओपिनियन भेज दो मैं सही बता रहा हूँ बेच दो भाई इतनी बकचोदी नहीं चाहिए वी डोंट नीड अ प्लेयर इन अ टीम हु डजेंट वॉन्ट टू बी बार्सलोना प्लेयर यार बार्सलोना के लिए खेलना बहुत बड़ी बात है और अगर किसी प्लेयर को वैल्यू नहीं ना हमारी टीम में खेलने की हराम को अगर छः साल से हमने उसके जो ये प्रॉब्लम प्रॉब्लमैटिक ईयर्स हमने जो झेले हैं आफ्टर दिस वेन ही विल गो ऑन एंड शो अस द बैक

लाइक like पहली बार हो रहा है फ्रेंच फुटबॉलर्स हैव ऑलवेज ऑलवेज बीन लाइक दिस सम प्रॉब्लम्स। बट है बात वो अलग हो गई अब हम डेम्बले को सेल करेंगे या कैसे करेंगे वी स्टिल डोंट नो अबाउट इट यार वो कल हमें पता चलेगा ऑब्वियसली बट वॉट आई वॉन्ट बार्सोलोना टू डू एंड डेम्बेले टू डू जाते जाते भाई अगर बंदा जा रहा है डू द राइट थिंग डू नॉट एक्सेप्ट द 50 मिलियन यूरोज रिलीज लॉस एक दिन वेट करें उसका रिलीज लॉस 100 मिलियन यूरोज होगा एंड पी एच विल बाउंड टू नेगोशिएट अ डील विद बार्सोलोना बिकॉज 50 मिलियन यूरोज में डेंबलेे जाना वुड बी अ स्टील डील फॉर पी एच एक्चुअली में बट डेम्बली की अगर फेयर तुम प्राइस लगाओगे ही इज वन ऑफ द बेस्ट विंगर्स इन वर्ल्ड फुटबॉल आउट एयर आर लेट्स फेस इट बाई तो उसकी जो फेयर इवाल्यूएशन है शुड भी अपवर्ड्स ऑफ सिक्सटी फाइव टू सेवेंटी मिलियन यूरोज गिवन कि उस बंदे का लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं बचा है एट एफ सी बार्सलोना सो वॉट शुड हैपन मेरे ओपिनियन आप सबको पता है बार्सोलोना को वो भाई जो नेगोशिएशन करेगी दे हैव टू फाइंड अ फेयर प्राइस फॉर द सेल ऑफ डेंबले मेरे ओपिन में 70 मिलियन यूरोज 75 मिलियन यूरोज बाई इतना तक हम पी से खींच सकते हैं बिकॉज वो डेस्परेट हैं हमने देखा कि दे हैव हैव साइंड फिर भी लुइस के टू अ डायरेक्ट विंगर जो पेसी हो नाउ द थिंग इज की ब्राडली बारकोला जो यहाँ पे लेन का प्लेयर है उसको उन्होंने थर्टी मिलियन यूरोज बिड किया एंड देर नॉट स्टॉपिंग देर तो इट इज वेरी क्लियर कि पीएचडी को एक प्लेयर चाहिए एंड हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हैंड प्ले कर सकते हैं अपना क्योंकि डेंबले का रिलीज कॉस हंड्रेड मिलियन यूरोज हो जाएगा स्टोरी वहां पर एंड नहीं होती आई डो नॉट केयर अबाउट द स्नेक ठीक है आई डोंट गिव अ फक अबाउट हिज एजेंट मूसा सिसो को या भी हर्ट है बासा के सारे जो प्लेयर्स हैं जो हमारा ड्रेसिंग रूम है वो हर्ट है डेम्बले के इस पूरे स्टॉन से सो so अभी इस पॉइंट टाइम पर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है आंख बंद करो टाटा बाय बाय गुड नाइट टू यू उस्मान डेंबेले भाई बहुत बहुत शुक्रिया नो थैंक यू भाई कुछ भी इंपैक्ट आपका नहीं था इन छह सालों में यू वर डाड़ दाड़ 140 हंड्रेड फोर्टी मिलियन यूरोज डाउन दी गटर इफ यू स्टेप आउट एंड लीव फॉर फिफ्टी मिलियन यूरोज मैं आप बता रहा हूं बहुत स्ट्रॉगली आर हैजेंट बीन इफेक्टिव वॉट्स एवर नाउ आप मुझे बताओगे अपने ओपिनियन बट आपको पता है कि भाई टी का वीडियो है थिंग्स वुड नॉट एंड ओवर हेयर ओपिनियन के अलावा हम आपको देंगे एनालिसिस वट शुड बार्सोना डू नाउ हमें अगर लेट से कि हम एक फेयर डील स्ट्राइक करते हैं डेंबले के लिए ही गोज ऑन फॉर सिक्स सेवेंटी मिलियन यूरोज हमें क्या करना चाहिए हमें ऑब्वियसली भाई साइन करने पड़ेंगे प्लेयर्स अब अबडे की जहां तक बात है कल रिपोर्ट आई थी कि आपडे हैज्रीट पोस्टल टर्म्स विद रियाल बीतीस बट क्योंकि अब डेम्बेले जाएंगे मे बी आबडे वुड एंड अप स्टेइंग इन टीम ऑफ मेरे ओपिनियन में आई वुड कीप एन ओवर अ ओवरबेले मैंने हर बार कहा है यह बात नाउ अगर आप हमारी टीम में रुकते हैं वुड इट बी फीजिबल क्या हम लाइक ये सीजन सी थ्रू कर लेंगे आई डोंट थिंक सो मेरे में वी स्टिल नीड टू तो साइन अ प्रॉपर राइट विंगर और भाई मार्केट में राइट विंगर्स की कमी है बट हेयर आर अ फ्यू नेम्स जिनके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं मेरी सबसे पहली पिक रहेगी बर्नाडो सिल्वा मेरा वन ऑफ द फेवरेट प्लेयर्स है आफ्टर लियो मेसी आप सबको पता है यार आई एम अूज फैन ऑफ बर्नाडो उसकी पोजिशनल सेंस उसका आउटपुट उसकी एबिलिटी टू होल्ड अप द प्ले इज एब्सोलूटली इमेट एंड बारसा के सिस्टम में हिल फिट लाइक अ ग्लव एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम नेगोशिएट करें बट City would not want to sell their price asset in Silva. क्योंकि उन्होंने रियाद महाराज को ऑलरेडी सेल कर दिया उनके पास एक राइट विंगर की शॉर्टेज है एंड कहीं ना कहीं बर्नाडो उनकी टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है एंड भाई पेप गोडला लव्स दैट स्टाइल ऑफ अ प्लेयर और वो ऑब्वियसली बार्सोना के लिए बहुत बेहतरीन रहेगा बट इट वुड नॉट बी फीजिबल सो वॉट वुड बी द फीजिबल ऑप्शन ओवर हेयर मेरे ओपिनियन में फिद्री को किएजा इज वन ऑप्शन यार क्योंकि ही कुड भी एनटाइज फ्रॉम जू एंथिस बाई अ फी ऑफ सम वॉट अराउंड थर्टी फाइव टू फोर्टी मिलियन जूरोज अगर बार्सोना कैन प्रोड्यूस दैट अमाउंट एंड हम उसको ल्योर कर सकते हैं बाय द प्रॉस्पेक्ट ऑफ प्लेइंग इन द चैंपियंस लीग बिकॉज वो क्वालिटी प्लेयर है डू आई वॉन्ट फेरिको किएज एंड माई टीम भाई फेद्रिको किएज पर मैं एनालिसिस नहीं करूंगा आई वुड ओनली गिव यू येस और नो मे बी येस

की थोड़ी सी, सी प्रॉब्लम है बट डोंट माइंड टॉप प्लेयर होता है ओवर भाई ये बंदा। पे तुम करो, उसको सर्च करना कौन सा फोटेड प्लेयर है और बिहान द स्ट्राइकर खेलता है राइट विंगर एंड लेफ्ट इज वेल तो हमें जो पेस चाहिए भाई रिजन चर्की से मिले की ट्रिकी है अबिलिटी टू होल्ड प्ले है, बहुत बढ़िया और बंदा पोजिशन लूज नहीं करता है बट मेरी पिक जो है बट मैं कई बार ट्वीट कर चुका हूं कि भाई अप फॉर दिस इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग और कहीं, कहीं अगर आपको उस्मान डिम्बले का डायरेक्ट रिप्लेसमेंट चाहिए तो बारकोला से बेटर रिप्लेसमेंट आपको नहीं मिलेगा अलॉट पीपल विल थ्रो द नेम ऑफ जेरमी डोकू बक्सेसफुल टेकऑन ज्यादा हैं बट बस विंगर का बार्सोला सिस्टम में टेकऑन करने का मतलब नहीं है आई थिंक देर इज अगर बारकोला को लोग कहते हैं कि है देख सकते हो इसके जो ट्रिबल वॉल्यूम है बॉल रिटेंशन है लुक रिकवरी एज अ स्ट्राइकर इट इज वेरी हाई मतलब यह बंदा छह फुट एक इंच का है वेरी वियर्ड फॉर अंगर इतनी हाइट होना बट इसकी सेंस ऑफ बॉल बहुत बेहतरीन है अब जैसे डिम्बले वुड बी लाइक ठीक है ही वुड गो ऑन अ ड्रिबल एंड वो बीट कर लेगा बीट कर लेगा फाइन बट कई बार होगा

राइट विंगर का देखो इसके रिसेप्शन इन ऑपोजिशन बॉक्स देखो नाइन एट रिसेप्शन काफी है लेफ्ट विंग बट मेजरली आई बिलीव क्योंकि बंदा थोड़ा सा डबल फूटेड हैुड इन कट बैक्स एंड बार्सोना सिस्टम ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर मैन गोइंग फॉरवर्ड ऑन वाइड एरियाज एंड कट बैक करना विदवल ऑफ द इंटीरियर्स एंड क्योंकि एक एक विंगर प्लेयर जो कि इज मेजरली डिपेंडेंट अपॉन क्रॉसिंग एंड कट बैक्स इट वुड हाईली बी बेनिफिशियल फॉर आर मिडफील्डर्स हू प्ले एज इंटीरियर्स क्योंकि भाई हमारा अगर गेम डिपेंडेंट है इंटीरियर पे उनके चांस क्रिएशन पे उनके गोल uh, स्कोरिंग पे तो विद अ विंगर हु कैन कॉन्ट्रीब्यूट इन सच आस्पेक्ट वुड भी वेरी गुड राधा दर डायरेक्ट विंगर हु गोज ऑन लाइक डिम्बे या फिर किले नम्बा पे जो फिर डायरेक्टली शूट करेगा सो इनमापिनियन बारकोला इज अ वेरी गुड फिट फॉर बार्सोलोना आम होपफुल वी कैन गेट हिम बट अगेन uh, यार अगेन थर्टी मिलियन यूरो की बिड रिजेक्टेड थी दे वु नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग लेस दैन फिफ्टी मिलियन यूरोस विल ऑल्सो कम अप्यूज रिस्क अगेन बट डायरेक्ट रिप्लेसमेंट बारकोला माई पिक सो दैट वॉज दैट अबाउट एफ सी बार सोलाना आप मुझे डेफिनेटली अपने ओपिनियन बताओगे इन दी चार्ट आई रीड दैट लेटर ऑन मैं रिप्लाई सबके कॉमेंट का मेजरली करता हूँ भाई लोगों कैसा लगा वीडियो मैं मिलता तो, हूं आप लोगों से वेरी सुन आस ऑलवेज पीस आउट